उसका रोटी है ना निशानी, रोटी है ना, रोटी का उठो उठो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय ब्यूटीफुल लाइफ विद निशानी। कैसे हो आप सब लोग? गुड मॉर्निंग गाइस। नहीं, बिस्किट नहीं खाना है बेटा, रोटी के साथ खाना चाहिए। चलो रोटी खाते है ना, बिस्किट बाद में, सुबह सुबह बिस्किट नहीं खाना है अभी। नहीं, रोटी के साथ पहले खा लो, फिर उसके बाद बिस्किट खाना। सो अभी हम लोग चाय पीने जा रहे हैं और पानी भी आ गया। और देखो 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 दीक्षानी क्या की है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, मिट्टी निकाल के कैसे इसमें लगा दिए। बदमाश, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड नाइट। तुमको एक साथ बोलने नहीं आता ना दीक्षानी, बोलो गुड मॉर्निंग। तो अभी दीक्षानी मेरी चाय रोटी खाएगी, रात का रोटी रोटी है एक, तो मैं बोली इसको चाय रोटी खिला देती हूँ, चाय रोटी इसको अच्छा लगता है। और अभी भी सुबह सुबह इसको बिस्किट चाहिए, बिस्किट चाहिए खाने के लिए। बिट्टू छोड़ दो ना, छोड़ दो ना, पापा आ रहे, पापा खिलाएंगे तुमको। अभी ये देखो पापा कैसे फोल्ड कर रहे हैं, देखो अरे वाह। खाओ खाओ जल्दी 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 जल्दी। ये अभी पानी भी आ गया है, अभी मैं जा रही हूँ जल्दी जल्दी चाय पीकर पानी भरने, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। सो गाइस, अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करके आराम कर रहे हैं। दीक्षानी को देखो क्या कर रही है, क्या कर रही है बेटा? नाखून काट रही है। नाखून काट रही है। तो अभी हम लोग खिचड़ी बनाए थे, और खिचड़ी चोखा पापड़ खा लिए हैं, और अभी लंच बनाना बाकी है, तो अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 12 भी अभी नहीं बचा है। रुको ना, मामा कर लो। और अभी थोड़ा सा आराम करते हैं, उसके बाद लंच बनेगा। सुनो निशानी, दो 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 जल्दी दो ना, नहीं बहुत मन मारेगी मम्मा। पुंगी पुंगी क्या कर रही है तुम? मामा को बिंदी लगा रही है। बिंदी लगा रही है कि मेहंदी लगा रही है? मेहंदी लगा रही है। मेहंदी लगा रही है। हाँ, और ऐसे भी हो गया। बस बस हो गया। इसका भाषा ही अलग है, निशानी का भाषा अलग है, निशानी का भाषा समझ में थोड़ी आता है, नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। सो गाइस, मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद में। तो गाइज, हमारी ग्रोसरी भी आ गई है, तो दीक्षानी मेरी भाग के चली गई थी, इसलिए मैं उसे पकड़ने गई हूँ, क्योंकि अभी ये सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, कहीं बच्ची है छू ना दे। तो कोई घर के एक ही आदमी, बाहर से कोई भी चीज़ें आता है तो एक ही आदमी ले और उसे छुए, और बाद में जाकर हैंड वॉश करे, अच्छे से सैनिटाइज करे हाथ को। तो यहाँ पर मैं 2 दिन पहले ही ऑर्डर किए थे,
और 2 दिन में ही आ गया हमारी ग्रोसरी। तो अगर आप मुंबई में रहते हो, बहुत सारे जगह पे डीमार्ट है, तो जहाँ भी रहते हो डीमार्ट से आप आराम से घर से शॉपिंग कर सकते हो। डीमार्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करके और डाउनलोड कीजिए, उस पर आपको जो जो चीज़ें मंगाना है वो सेलेक्ट कीजिए, कैश ऑन डिलीवरी आराम से मंगा सकते हो, चाहे तो आप पे भी कर सकते हो। तो हम लोगों ने कैश ऑन डिलीवरी मंगाया था, तो अभी मेरे हस्बैंड पैसा दे रहे हैं और देखिए यहाँ पे रखा हुआ है और ये यहीं पे रहेगा। बाद में यहाँ के जगह को मैं अच्छे से साफ कर दूंगी, पोछा लगा दूंगी और मेरे हस्बैंड अभी गए हैं हैंड वॉश करने। तो गाइस हम लोग डीमार्ट से ग्रोसरी शॉपिंग किए थे, वो वाला आ गया है, यहाँ पे कुरियर आ गया है और अभी जस्ट दे के गया है और अभी हम लोग इसको वहीं पे रखे हुए हैं। अभी क्या किया जाएगा, इसको लेके किसी कोने में रख देंगे, यानी कि चेयर के ऊपर रख देंगे, अभी 24 घंटा बाद ही खोलेंगे, क्योंकि इसको सैनिटाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है और हम लोग का हैंड सैनिटाइजर तो है लेकिन उससे कैसे करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या कर मतलब 24 घंटा बाद अगर इसे खोलेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो इसलिए मैं अभी उसको ले जाकर रख देती हूँ क्योंकि अभी वो सब सामान की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बन रही है ब्लैक टी, जो कि बहुत ही अच्छा होता है गले के लिए, कभी कभी हम लोग दिन में 2 से 3 बार तो ये पीते ही है। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ लंच भी बनाने, चाय पहले पी लेंगे उसके बाद मैं लंच बनाऊंगी। और अभी हस्बैंड मेरे ये उठा के रख देंगे उधर, वही छुए अभी हम लोग छुए भी नहीं है, दिशानी को मैं बार बार खींच रही हूँ कहीं ये टच ना कर दे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोग से। सो गाइस अभी बजने वाला है 4 और अभी मैं जा रही हूँ लंच बनाने। भूख नहीं लगी थी इसलिए मैं सोची कि लेट से बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे मैं टमाटर काट के रखी हूँ, 2 बड़े बड़े टमाटर, और यहाँ पे मैं 2 प्याज काट के रखी हूँ, ये है तेजपत्ता और छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा है, और यहाँ पे देख रहे हो तो अदरक और हरी मिर्च को मैं छोटा छोटा काट के रखी हूँ तड़के के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ बनाने काबुली चना का छोला। तो मेरे छोले उबल चुके हैं और यहाँ देखिए मैं जिंजर गार्लिक इसका पेस्ट मैं बना लूंगी, खल में कूट लूंगी और अभी देखती हूँ कि मेरा छोला पक्का है या नहीं। तो मैं 4 सीटी लगाई हूँ तो चेक कर लेती हूँ अभी। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ कि मेरा छोला अच्छे से बॉईल हुआ है या नहीं। तो बहुत गर्म भी था, हाथ से सहा नहीं जा रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था, लेकिन अच्छे से बॉईल हो चुका था, बहुत अच्छे से मैं दबा के देख ली हूँ हो गया है। और अभी मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ गैस पे और तेल डाल रही हूँ, तो तेल जब गर्म हो जाएंगे तो उसमें कुछ खड़े गर्म मसाला डालेंगे, तेजपत्ता है, थोड़ा सा छोटी इलायची है, 2 छोटी इलायची ली हूँ, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा ली हूँ और कोई गर्म मसाला नहीं ली हूँ, और मैं डालूँगी इसमें 1 चम्मच जीरा। और मैं ये थोड़ा सा डिफरेंट अलग तरीके से ये छोले बना रही हूँ लेकिन खाने में बहुत ही यम्मी लगता है। और यहाँ मैं प्याज डाल दी हूँ और एक चीज़ मैं भूल गई डालना, ये मैं जो तड़के के लिए अदरक लंबा लंबा स्लाइस में काटी थी और ये जो मतलब हरी मिर्च दिख रहा है आपको तो काटी थी मैं तड़के में डालने के लिए, वो चीज़ें मैं भूल गई थी लेकिन मैं बाद में उसे डालूंगी। और यहाँ मेरे प्याज बहुत अच्छे से भुना गए थे, बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब भी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, तो बहुत अच्छे से भुना गए थे तो मैं उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। 1 मिनट तक मैं अदरक लहसुन को भी भून ली हूँ, उसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर दी हूँ और टमाटर डालने के बाद मैं थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डाल दे रही हूँ ताकि टमाटर बहुत अच्छे से गल जाएगा, मतलब गल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी गल जाता है नमक डालने के बाद। और नमक डाल दिए हैं, जब टमाटर अच्छे से गल जाएगा उसके बाद इसमें मैं सारे मसाले ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने डाला है जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर और मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। और नमक मैं पहले ही डाल चुकी हूँ तो नमक मैं कम डाली थी और उसके बाद मैं नमक एक्स्ट्रा नहीं डाली हूँ क्योंकि मैं चने जब बॉईल करने के लिए डाली थी उसमें भी मैं नमक डाल के बॉईल की हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डाली थी, वो क्लिप मिस हो गया था। और मसाले अच्छे से भुनने के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ छोले जो मैं बॉईल करके रखी हूँ, और ये जो छोले का पानी है इसे मैं फेंकूँगी नहीं, इसे मैं बाद में ग्रेवी के वक्त में डालूँगी क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन रहता है, इसलिए फेंकना नहीं चाहिए छोले वाला पानी। तो अभी मैं छोले को मसाले के साथ भुनूँगी। तो मैं गैस की फ्लेम को एकदम लो कर दी हूँ,
और मसाले को भून रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं आलू काट रही हूँ, तो ये बॉईल किया हुआ आलू था, तो मैं धीरे धीरे अच्छे से काट रही हूँ ताकि टूटे ना। तो मैं सुबह खिचड़ी बनाई थी उसमें मैं दो आलू बॉईल की थी, तो एक आलू का मैं चोखा बनाई हूँ, एक आलू रखा हुआ था, तो मैं सोची चलो इसमें फ्राई करके डाल देती हूँ। तो फ्राई करके मैं इसे अगर डीप फ्राई करके डालती ना ये छोले में बहुत ही अच्छा लगता है, तो तेल बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसलिए मैं डीप फ्राई नहीं की हूँ इसे, मैं थोड़ा सा तेल डाल के मैं फ्राई कर लेती हूँ, लेकिन थोड़ा क्रिस्पी फ्राई करूँगी, ज़्यादा टाइम तक फ्राई करूँगी। तो इसे मैं फ्राई करके और इसी छोले में ऐड करूँगी। और यहाँ देखिए जो अदरक और हरी मिर्च मैं काटी थी पतला पतला स्लाइस में तड़के के लिए, तो उसे मैं आलू जब फ्राई कर रही उसी में डाल दी हूँ ताकि उसका कच्चापन निकल जाएगा, थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, उसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी छोले में। तो मैं पहले भूल गई थी उसे डालना। और यहाँ पर मैं जो छोले का पानी निकाली थी उसे मैं डाल दी हूँ ग्रेवी के लिए, और थोड़ा सा उबाल भी आ गया है मेरी ग्रेवी में। तो और यहाँ पे मैं चने जो है उसे मैं थोड़ा मैश कर रही हूँ ताकि ग्रेवी थोड़ा और थिक बने, और ऐसे तो ठीक बनेगा क्योंकि इसमें मैं टमाटर की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखी हूँ, प्याज की क्वांटिटी भी ज़्यादा रखी हूँ, तो ठीक तो है ही, लेकिन थोड़ा सा मैश कर देते हैं ना चने की तो बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए यहाँ पे आलू फ्राई हो गए थे तो मैं ऊपर से डाल दी हूँ, और ग्रेवी मेरा पक चुका था, गरम मसाला भी मैं डाल दी थी, और इसे मैं मिक्स करके और गैस को बंद कर दूँगी। तो ये छोले बन के रेडी हो चुके हैं, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पूरी। तो मेरे छोले पक रहे थे तब तक मैं आटा भी गूंथ ली थी, और यहाँ पे मैं सारी पूरियाँ बना लूँगी। और मुझे मन था आज खीर भी बनाने का लेकिन मैं नहीं बनाई क्योंकि खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, तो हल्की फुल्की भूख लगी थी, मैं खिचड़ी खाई थी, हम लोग खिचड़ी इतना दबा के खा लिए थे कि भूख नहीं लगा था, और खाना बहुत लेट बनाई, मतलब 4 बजे मैं बनाना स्टार्ट की हूँ, हस्बैंड तो बोल रहे थे मुझे खाना ही नहीं है, उनको भूख भी नहीं था, तो मतलब आज हम लोग लेट खाया है ना, सुबह में भी हम लोग नाश्ता कर लिए थे, ब्रेकफास्ट में जो मैं बनाई थी नमकीन और ये खस्ता वही मैं खाई थी उस, और अभी भी हम लोग बहुत लेट खाने वाले हैं क्योंकि 5 बज गया था, तो 5 बजे खाना खाएंगे तो रात को पता नहीं क्या खाएंगे, इसलिए मैं सोच के ही बनाई हूँ कि मैं ज़्यादा बना दे रही हूँ, तो आटा मैं ज़्यादा गूँथ दी हूँ, अभी जितना खाना रहेगा उतना मैं पूरियाँ बना लेती हूँ, और बाकी का रात में मैं पूरी बना लूँगी और खा लूँगी। तो अभी मैं खाना निकाल ली हूँ, और देखिए मेरा छोला बन के रेडी हो चुका है, और बहुत ही अच्छा भी दिख रहा है, खाने में भी बहुत ही यम्मी था, और पूरी, और आप लोग भी आ जाइए खाने। तो अभी खाना खाने के बाद मैं झाड़ू लगाई हूँ घर में, और संध्या का टाइम हो चुका था तो मैं आ गई हूँ दिया जलाने। तो आप लोगों का बहुत सारे लोगों का कॉमेंट आता है कि दीदी आप मंदिर क्यों लगाए हो किचन में, तो जिस वक्त मैं मंदिर की स्थापना की थी किचन में उस वक्त मुझे पता नहीं था कि किचन में मंदिर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मेरी सासू माँ आई तो वो भी बोली थी कि मंदिर हटा देना किचन से, तो मैं सोची चलो हटा दूँगी, लेकिन बार बार मुझे लगता है कि मंदिर की जगह चेंज नहीं करना चाहिए, और ये जो दिशा है ना ये अच्छा दिशा है, तो इसलिए मैं अभी तक यहाँ रखी हूँ। और मैं सोची कि छोटा सा मुझे घर में पूजा कराना है तो मैं पंडित जी को बुलाऊँगी, जब पूजा कराऊँगी उसी वक्त मैं न्यू मंदिर भी लूँगी और जगह भी चेंज करूँगी, इसलिए मैं नहीं हटा रही हूँ। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों के घर में देखती थी कि किचन में मंदिर रहता था इसलिए मैं लगा ली थी, पहले पता होता तो शायद नहीं लगाते, लेकिन मैं बहुत जल्द दूसरा मंदिर भी लेने वाली हूँ और पंडित जी को बुलवाऊँगी और पूजा भी कराऊँगी और मंदिर की जगह भी चेंज करूँगी। तो गाइस अभी मैं दिया जलाई हूँ और अभी चाय लेकर आई हूँ, इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती, पूरा पसीना पसीना निकल रहा है, और अभी मैं जा रही हूँ चाय पीने, और इस ब्लॉग को भी मैं ऐड करूँगी क्योंकि मुझे डिनर बनाना नहीं है, तो मैं ज़्यादा बना रही थी कि बहुत लेट बनाई हूँ ना, 4 बजे बनाई हूँ तो बहुत लेट भी खाना खाई हूँ, 5 बज गया खाना खाने में, भूख लगा था इसलिए। और अभी रात को देखती हूँ, अभी पूरी है और छोला भी है इतना सारा, तो वही खाएंगे रात में भी, नहीं बनाएंगे। तो अभी इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करूंगी, और मैं मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। आज का बहुत छोटा सा ब्लॉग है पर उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को जरूर पसंद आएगा, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए बाय।